इस्लामाबाद डिटेक्टर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास एक डिटेक्टर है गैरेट, जिसका नाम है गैरेट 400i, ठीक है, गैरेट ACE 400i, 2 साल की वारंटी के साथ आता है। आज की जो मेरी वीडियो है वो इस मशीन की है कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जो फील्ड पे हमें सेटिंग रिक्वायर्ड होती है, यानी फील्ड के लिए जो सेटिंग हमें समझने की ज़रूरत होती है, उसके बारे में आज वीडियो बनाऊंगा कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या सेटिंग है इसमें, क्या क्या फंक्शंस हैं। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसको असेंबली करने का तरीका बताता हूँ कि इसको असेंबल कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये वाला शॉफ्ट आता है इसका, जो कि कॉयल के साथ कनेक्ट होता है डायरेक्ट। अब ये वाली शॉफ्ट इसके साथ कनेक्ट हो गई है, ठीक है, लग गई है। अब इसके ऊपर जो अपर शॉफ्ट होती है वो लगाते हैं। पहले इसको लूज करते हैं, ठीक है। लूज करने के बाद इन दो क्लिप्स को जो है ये इसके अंदर लगे होते हैं, इन क्लिप्स को थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है और यहाँ से ये साइज एडजस्टमेंट इसकी सेट होती है, ठीक है। मतलब डिटेक्टर अगर आपने छोटा बड़ा करना हो तो भी इन्हीं दो क्लिप से होगा। इस तरह से, ठीक है, ये भी छोटा बड़ा हो रहा है, ये भी इसके साथ ये टाइट हो गया। अब हम इसको लूज करेंगे ताकि इसको कंट्रोल यूनिट भी लगा सकें। यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप, दो क्लिप्स जो हैं वो इस जगह पे सेट हो गए हैं और अभी इसको जो है मैं टाइट कर रहा हूँ। अब हमारी पूरी मशीन जो है वो असेंबल हो गई है। अब इसको वायर लगाते हैं, फिर ऑन करके जो है आपको सेटिंग इसकी सिखाते हैं। यह मशीन मैंने असेंबल कर दी है, प्रॉपर वायर लगा दी है। इस जगह पे इसकी कॉइल की तार लगती है और इस जगह पे हेडफोन लगते हैं। तो चलें अब इसकी जो सेटिंग वगैरह है उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मशीन को ऑन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास बटन दिया गया होता है, ठीक है, इससे मशीन ऑन होती है। यह मशीन हमारे पास ऑन हो गई है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इसमें 5 मोड्स आते हैं इस मशीन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले 0 डिस्क, यानी ऑल मेटल, लोहा, चांदी, तांबा, पीतल, किसी किस्म की कोई दात होगी तो ये डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा इस मोड में। अगला है ज्वेलरी मोड, यानी ज्वेलरी के ऊपर इसका फोकस ज़्यादा हो जाता है इस मोड में। तीसरा है कस्टम मोड, यानी आप अगर अपनी मर्जी से कोई मोड बनाना चाहते हो, इसके अंदर ये टारगेट IDs होती हैं, ये 0 से लेकर 99 तक जाती हैं, यानी हर ऑब्जेक्ट का अपना एक अलग नंबर होता है। अगर लोहा है तो उसका अपना अलग एक नंबर होगा, पीतल है तो उसका अलग नंबर होगा, सोना है तो उसका अलग नंबर होगा, यानी हर दांत का अपना एक अलग अलग नंबर होता है। उसको फिर जब यहाँ से आप बंद करते हैं तो वो दांत बंद हो जाती है। यानी फ़र्ज करें अगर लोहे का नंबर आ रहा है हमारे पास 20 तक या 22 तक या 25 तक, तो हम जो है इसका 20 से 30 के दरमियान में जो ब्लॉक्स यहाँ पे बने होंगे, ये जो आपको नजर आ रहा होगा ये 25 लिखा हुआ है और यहाँ पे 20, इधर जो दो ब्लॉक्स होंगे वो हम बंद कर देंगे तो लोहा बंद हो जाएगा, ठीक है। इस मोड में मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे अभी ऑन है ना, ये अगर इसमें से मैं यहाँ तक बंद कर देता हूँ 25 तक, तो यानी लोहा इसका बंद हो जाएगा। फर्ज करें अगर 25 तक नंबर है तो लोहा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आ जाता है। ये अगर आप कस्टम में बनाना चाहें तो कस्टम में बन सकते हैं। उसके बाद रेलिक्स, यानी पुराने बर्तन या मजस्मे वगैरह अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये वाला मोड आप इस्तेमाल करेंगे। और आखिरी मोड है सिक्कों के लिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन की तरफ चलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है आप कस्टम बना सकते हैं अपना। ये अब देखें इस बटन से मैं टिक करता हूँ तो ये एक ब्लॉक बंद हो गया है, प्लस करता हूँ आगे ये टारगेट जा रहा है, एक और बंद हो गया है।
फिर ये तीसरा ब्लॉक भी बंद हो गया, ये चौथा। अब देखिए यहाँ पे मैं 25 तक बंद कर रही, यानी 25 तक कोई भी दांत आएगी, लोहा अक्सर लोहा जो है वो 25 तक आ रहा होता है, तो 25 तक जो है वो लोहा बंद हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप कह रहे हैं कि 60 तक बंद करना चाहूँ, तो 60 तक आप लेके आएंगे तो 60 तक, यानी जो भी कोई टारगेट, जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो आपका अगर 60 के लाइन में आ रहा है, 60 के नंबर के अंदर आ रहा है, तो वो मिस हो जाएगा, उसके ऊपर फिर मशीन आवाज़ नहीं करेगी। तो डिस्क्रिमिनेशन में आप लोह वगैरह जो है वो बंद कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास डेप्थ इंडिकेटर आता है, यानी इस इसकी मदद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपका हदफ है या आपका टारगेट है वो ज़मीन के नीचे कितनी गहराई में पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे हमारे पास बैटरी इंडिकेशन आती है, जिससे हम देख सकते हैं कि बैटरी रिमेनिंग कितनी है, यानी कितनी बाकी है इसके अंदर बैटरी। ये सबसे खास चीज़ है जो कि ग्राउंड पे इस्तेमाल करने के लिए समझने की ज़रूरत होती है, सेंसिटिविटी। इसको आसान अल्फाज में मैं समझाता हूँ, तो आसान अल्फाज में इसको गहराई कहते हैं, यानी आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतनी गहराई ज़्यादा होगी। लेकिन क्या होगा, ये देखें, अब ये अनस्टेबल हो गया, मशीन आपकी अनस्टेबिलिटी शो करेगी। इसकी वजह क्या होती है, वजह यह होती है कि जो आपकी मिट्टी होती है या ज़मीन होती है, उसके अंदर मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी छोटे छोटे सॉइल मिनरलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, यानी मेटल की मिनरलाइजेशन जो है मिट्टी के अंदर मौजूद होती है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप एक मकनातीस ज़मीन के ऊपर फेंकते हैं तो उसके साथ छोटे छोटे ज़र्रात लग जाते हैं, तो वो जिस ज़मीन में ज़्यादा मिकदार में होते हैं, तो ये मशीन डिस्टर्ब होती है, उससे अनस्टेबल हो जाती है। फिर आपको टारगेट और फॉल सिग्नल का फर्क समझ में नहीं आता, तो हमेशा इसको एक स्टेप या दो स्टेप जो है वो आपने नीचे रखना है, फुल नहीं रखना, फुल से अनस्टेबिलिटी शो करते हैं, मशीन अनस्टेबल हो जाती है। तो सेंसिटिविटी को जो है वो आप एक स्टेप या दो स्टेप नीचे रखेंगे। अगर आपकी नरम जमीन है तो आप एक स्टेप नीचे रखें, अगर सख्त जमीन है तो आप दो स्टेप नीचे रखें। उसके बाद इसके अंदर ये एक मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर है, तो इसके अंदर मल्टी फ्रिक्वेंसीज आती हैं, तो उसमें जाने के लिए आपके पास इस बटन को आप दबाते हैं और ये प्लस वाला, आप देखें इसके अंदर ये चार किस्म की फ्रिक्वेंसीज है, F1, F2, F3 और F4। इसको हमेशा आपने F2 पे रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा इसको रखेंगे तो ये इसका फोकस छोटी चीज़ों पे होगा, जितना कम रखेंगे तो इसका फोकस बड़ी चीज़ों पे होगा। तो आपने F2 पे रखना है ताकि ये दरमियान में इसका काम चले, दरमियान में ही ये रहे, बड़ी चीज़ों के ऊपर भी फोकस हो और छोटी चीज़ों के ऊपर भी फोकस हो। फिर इसके अंदर आखिरी एक चीज़ आती है, पिन पॉइंटर। ये आपने तब इस्तेमाल करना होता है जब आपको टारगेट बिल्कुल कंफर्म हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे ज़मीन के नीचे कोई चीज़ पड़ी हुई है, क्योंकि ये डिटेक्टर को हमेशा मोशन मोड में इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको लेफ्ट राइट स्विंग किया जाता है, लेफ्ट राइट घुमाया जाता है। तो ये जो अपना एरिया डिटेक्शन के दौरान जो एरिया कवर करता है वो ज़्यादा होता है, तो हमें पता नहीं चलता कि टारगेट किस जगह पे पड़ा हुआ है। तो जब आप पिन पॉइंटर यूज़ करते हैं तो पिन पॉइंटर से आपको एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हो जाती है, एग्जैक्ट जगह मालूम हो जाती है कि किस जगह पे टारगेट पड़ा हुआ है। तो ये हमेशा जब भी टारगेट आपको मिल जाता है तो उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलें अभी इसका एक डेमो देता हूं आपको कि इस सेटिंग को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आपको मैं इसको टेस्ट करवाता हूं, यही सारी सेटिंग जो है मैं आपको आपके सामने जो है लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। डेमो के लिए अब मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट पड़े, एक है मेरे पास गोल्ड, एक है आयरन और एक पितल है, ठीक है। इन तीन चीज़ों के ऊपर अभी इसका टेस्ट करते हैं। अभी ये जो है मैंने इसके अंदर सेटिंग की है, सेटिंग मैं अब आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे जो है वो फील्ड पे इसको इस्तेमाल करते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जीरो डिस्क, अब मैंने इसको जीरो डिस्क पे लगाया है, यानी मतलब कि ये अब हर दांत पे जो है वो डिटेक्शन करेगा, साउंड करेगा, ठीक है, उसको डिटेक्ट करेगा। उसके अलावा मैंने कोई भी इसके अंदर जो है वो नंबर फिलहाल बंद नहीं किया हुआ। सेंसिटिविटी जो है मैंने एक स्टेप नीचे रखी हुई है, तो ये मैंने अभी सेटिंग की हुई है। अभी आप मैं अभी जो है डिटेक्शन मैं करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से इसकी डिटेक्शन होती है। ये भी मेरे पास एक ब्रास नुमा चीज़ है, ठीक है, यानी पितल है ये, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में ये 88, 89, 86 इस तरह का टारगेट आईडी दे रहा है। मतलब इस दांत का जो नंबर है वो इस वाले डिटेक्टर के अंदर 86, 87, 88, 89 इस तरह से नंबर दे रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास लोहा पड़ा है, इसको मैं डिटेक्ट करता हूँ। अब इसको आप देख सकते हैं 45, 44 इस तरह का नंबर दे रहा है, यानी जो लोहा है, इस लोहे का जो नंबर आ रहा है वो 45 तक आ रहा है, ठीक है। अब इसको गोल्ड को करते हैं, अब इस गोल्ड का नंबर देखें तकरीबन 76 आ रहा है, यानी हर दांत का अलग एक नंबर होता है, इसका भी 76 आ रहा है,
और उसका जो है वो 45-46 आ रहा है लोहे का, और जो पितल है हमारे पास उसका तकरीबन 80 की लाइन में आ रहा था, 86-84 इस तरह से आ रहा था। अभी इसके अंदर मैं लगाऊंगा डिस्क्रिमिनेशन, यानी लोहे को मैं बंद करूंगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कस्टम जो है वो इसके ऊपर लगाया जा सकता है, यानी कस्टम जो है अपना मूड क्रिएट किया जा सकता है, इसके अंदर बन सकता है। अब मैं कस्टम के अंदर आया हूँ, कस्टम के अंदर देखें मैंने अभी यहाँ पे जो है वो बंद किया हुआ है, मैं दोबारा ऑन कर लेता हूँ और आपके सामने जो है उसको बंद करता हूँ नंबरों को। अब देखिए ये ऑल मेटल है, पहले मैंने बंद कर दिए एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, वो 40 की लाइन में आ रहा था, यानी मुझे यहाँ तक नंबर बंद करने हैं लोहे के। अभी यही पितल को ये डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे गोल्ड है, गोल्ड को भी डिटेक्ट कर रहा है, और लोहे के ऊपर कोई आवाज नहीं है, लोहे को कोई डिटेक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। ये गोल्ड है और यहाँ पे पितल है। अब इन ऑब्जेक्ट्स को कर रहे लोह मैंने इसके ऊपर बंद किया है, यानी आप इस तरह से दांत बंद कर सकते हैं इसमें। मजीद मालूमात के लिए या इस तरह के कोई भी आपका कोई सवाल हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, नंबर है 03111-44-4407। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।